हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दिव्य प्रकाश में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुश्मनों के लिए जो आपको परेशान करते रहते हैं उनके लिए कि आप उनकी परेशानियों से कैसे मुक्त हों। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, यदि आपको धन संबंधित कोई समस्या रहती हो, यदि लगातार आप पैसा लाते हैं घर में टिकता नहीं, इस तरह की समस्या रहती हो, तो आप शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का उपवास कर लीजिए। इस दिन आपको खट्टा नहीं खाना है। खट्टा खाने से माता लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं, और आप पर शुक्रवार के दिन जो व्यक्ति उपवास करके खट्टा खाता है, माता लक्ष्मी उस पर प्रसन्न नहीं रहती और उसके घर में धन संबंधी समस्याएँ बनी रहती हैं। तो शुक्रवार के दिन उपवास कीजिए और इस दिन खट्टा नहीं खाइए। 11 शुक्रवार का उपवास करने के बाद में आप 7-9 या ऐसी कुंवारी लड़कियों को, 11 कुंवारी लड़कियों को खाना खिला दीजिए। इसके बाद में आपके घर में धन संबंधित कभी भी समस्या नहीं रहेगी, आपके घर में धन की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। अब मैं बताता हूँ, यदि आपको दुश्मन ज़्यादा परेशान कर रहा है और आप उससे मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं से फिर आपको परेशान करता है, तो इसके लिए एक मैं आपको ज़बरदस्त टोटका बताता हूँ। इस टोटका करने के बाद में आपके दुश्मन की आपके सामने ही बेइज्जती होगी। इतना ज़बरदस्त ये उपाय है, इतना ज़बरदस्त ये टोटका है। इस टोटके को आपको शनिवार के दिन करना है, सूर्यास्त के बाद करना है। आपको एक काला कपड़ा लेना है, उस काले कपड़े के अंदर आपको नींबू रखना है। नींबू में आपको सुई या कील उसमें डाल देनी है, और एक काला कोयला लेना है। ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जहाँ कहीं भी निर्जन स्थान में नीम का पेड़ हो, नीम के पेड़ में करना है। काला कपड़ा लेना है, एक नींबू लेना है, सुई या कील उसमें डाल देनी है, और एक काला कोयला लेना है। इन चीज़ को लेकर के आप चले जाइए, जहाँ कहीं भी निर्जन स्थान हो वहाँ पर आप चले जाइए, और आपका जो कोई भी दुश्मन हो, नीम के पेड़ में जो आप काला कोयला लेकर के गए हैं, उस काले कोयले से उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए, और आपने जो सुई या कील नींबू में डाली उसको निकाल लीजिए, और उससे वो जो आपने नाम लिखा उसमें उस नींबू को निचोड़ दीजिए। इसके बाद में ये सारी चीज़ें हैं, इसके आप गठरी बांध करके आप नीम में इसको टांग दीजिए या इसको रख दीजिए। रखेंगे तो ऐसे कि वो गिरे नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए उसको आप कहीं पे भी छोटी डाल दो, उसको बांध दीजिए, कील लगा के उसको गाड़ना नहीं है। ऐसा करने से आपके दुश्मन की इतनी ज़बरदस्त बेइज्जती होगी कि आप तक उसकी खबर आएगी। हो सकता है आपके सामने भरी सभा में उसकी बेइज्जती हो, वो आपके सामने नज़र ही नहीं मिलाएगा, इस तरह की उसकी बेइज्जती होगी। वो आपसे दुश्मनावट फिर कभी भी करेगा नहीं। तो यदि आपके जानने पहचानने वाले में कोई लोग जो तकलीफ से गुजर रहे हों, तो उन्हें भी उपाय ज़रूर बताइएगा। तो देखते रहिए दिव्य प्रकाश, और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।